18 प्लस, वो भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश में 45 प्लस के लिए 2500 केंद्र आज वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में प्रारंभ हुए हैं, जहां वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक प्रारंभ हो चुका है। और प्रदेश में हम लोगों ने आज से 18 प्लस से जुड़े हुए लोगों के वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी प्रारंभ कर दिया है। पहले चरण में हम लोग, क्योंकि नया सॉफ्टवेयर इसके लिए बनाया गया है और नए सॉफ्टवेयर के लिए उसके ट्रायल के साथ ही 18 प्लस के जिन यूथ को आज वैक्सीन देना है, उसमें हम लोगों ने उन 7 जनपदों को लिया है जहां पे पॉजिटिविटी रेट और एक्टिव केस सर्वाधिक हैं। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, कानपुर और मेरठ, इन 7 जनपदों में आज हम लोग 85 केंद्र 18 प्लस के लिए अलग से बनाए हुए हैं। अगले 5 दिन तक इन 7 केंद्रों में हम लोग वैक्सीनेशन का करेंगे। इन 7 जो हैं जनपदों में 85 सेंटर पर 18 प्लस से जुड़े हुए लोगों को भी हम वैक्सीन देंगे। इसके बाद प्रत्येक जनपद में 45 प्लस को भी और 18 प्लस को भी, 18 से 44 के बीच के सभी नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन देने की व्यवस्था राज्य सरकार ने बनाई है। और 45 वर्ष से ऊपर वालों को, सभी नागरिकों को भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। तो यह सभी केंद्र हम लोग राज्य के अंदर प्रारंभ करेंगे। आज 45 प्लस से ऊपर वालों के लिए 2500 केंद्रों में वैक्सीनेशन के तीसरे चरण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। और 18 प्लस के लिए हम लोगों ने आज 7 जनपदों के 85 केंद्रों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। ये सभी वैक्सीनेशन के कार्यक्रम निशुल्क हैं और प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के वैक्सीन उपलब्ध कराया जा रहा है। ये कोरोना से बचाव के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है। मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से कि केंद्र और प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ये महामारी है और महामारी में बचाव ही सर्वोत्तम उपाय हो सकता है। अनावश्यक रूप से कोई घर के बाहर ना निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए जो 5 ऐसे ग्रुप हैं, 60 साल से ऊपर, 10 वर्ष से छोटी उम्र के, गर्भवती महिलाएं, कम इम्यूनिटी के लोग या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित लोग, वे तो कतई घर के बाहर न निकलें। घर के अंदर भी वे मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। सभी व्यापारियों से या जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनसे भी बराबर ये कहा जा रहा है, उनको उपलब्ध भी कराया गया है, वे मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें, सैनिटाइजर अपने साथ में रखें। निगरानी समितियों को भी हम लोगों ने ग्राम पंचायतों में, मोहल्लों में भी इस सभी प्रकार के मामलों में निगरानी रखने के लिए बराबर जनपद के इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर में संवाद बना करके समय समय पर जानकारी देने के लिए एक व्यवस्था बनाई हुई है। टेस्टिंग की संख्या, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ाने और उसके बाद 100% टेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं। इस समय प्रदेश में हम लोग प्रतिदिन 2.25 लाख से ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये महामारी है, संसाधन
इसमें सीमित पड़ रहे हैं, धैर्य के साथ बचाव करते हुए वैक्सीन के लिए जिन लोगों को केंद्रों में बुलाया जाए, मेरी अपील होगी वे लोग ही केंद्र में आएंगे। दूसरा, हम लोगों ने इस बारे में व्यवस्था की है कि जीरो वेस्टेज हो, वेस्टेज के उसको हम न्यूनतम स्तर पर लाने में सफल हुए हैं, लेकिन जीरो वेस्टेज के साथ। इसमें वेटिंग एरिया कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, ऑब्जर्वेशन एरिया वैक्सीन लगने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस प्रकार का स्पेस दिया जा रहा है। और हमारा प्रयास है कि हर व्यक्ति को हम वैक्सीन दे सकें, लेकिन हमें कोरोना के इस संक्रमण को भी रोकना है, इसकी चेन को हर स्तर पर ब्रेक करना है। इसमें जनता का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। केंद्र और प्रदेश सरकार अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है और मेरी अपील होगी सबसे कि जो लोग वैक्सीन ले भी लिए हैं, दोनों डोज ले रहे हैं, ये बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। अगर उनमें कहीं इन्फेक्शन आया भी तो माइल्ड रहा है, उन्होंने रिकवरी जल्दी कर दी है। जिन्होंने एक डोज भी लिया है तो भी अगर इन्फेक्शन आया है तो रिकवरी में मदद मिली है। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी हमें मास्क का और दो गज की दूरी का पालन करना होगा। इसमें हर व्यक्ति के सहयोग से टीम वर्क इसमें काम करेगी तो सफलता प्राप्त होगी और कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में हम सब विजयी होंगे। उस सामूहिकता का, टीम वर्क का परिचय सभी लोग दे रहे हैं, जनता जनार्दन भी दे रही है, हमारे हेल्थ वर्कर दे रहे हैं, चिकित्सक, कोरोना वॉरियर्स, स्वयंसेवी संगठन, विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन, वे सभी लोग दे रहे हैं। और मेरी अपील होगी कि सभी लोग मिलकर के कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई में विजयी बनने की ओर अग्रसर हों। वैक्सीनेशन के आज के इस कार्यक्रम को 18 प्लस के लिए भी प्रारंभ करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। स्वदेशी वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करते हैं और मैं धन्यवाद दूंगा कि आज हमें वैक्सीन प्राप्त हुआ है। जिन संस्थाओं ने हमें वैक्सीन, हमने यद्यपि 1 करोड़ का ऑर्डर किया था, हमें वैक्सीन प्रारंभ यहाँ पे 18 प्लस के लिए भी उपलब्ध हो चुका है। हम लोगों ने सीधे कंपनियों से खरीदा है, बाकी 5 करोड़ का हम लोग ग्लोबल टेंडर भी प्रदेश के अंदर प्रारंभ कर चुके हैं और मेरा विश्वास होगा कि हम लोग बहुत अच्छे ढंग से तेजी के साथ इस वैक्सीन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। हर नागरिक को सुरक्षा कवच वैक्सीनेशन के माध्यम से देंगे ही, साथ साथ इस लड़ाई को मजबूती के साथ देश के साथ